जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि सितंबर माह का राशि फल ऐसे व्यक्ति के जीवन में वृश्चिक राशि वाले के क्या है राजयोग, आज आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस महीने विशेष फेस्टिवल या त्यौहार क्या पड़ रहे हैं, उसको कैसे मनाना है। 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जगत के जो गुरु हैं उनका जन्म हुआ था, उनकी पूजा करें परिवार के साथ। 15 तारीख को अमावस्या, पितरों की पूजा करें। 18 तारीख को हरतालिका तीज, भगवान शिव की पूजा करें। हरतालिका तीज व्रत व्रत रहती है, भगवान शिव की कृपा बरसती है। 29 तारीख को पूर्णमासी है, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, यहाँ पर इनकी माता को कष्ट होता है। चंद्रमा मन माता होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत जमीन से जुड़ा होता है, इमोशनल होता है। तो आपका जो हेल्थ है आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपकी माता जी को कष्ट रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्त कुटुंब की बात करते हैं तो ऐसे में आपके दोस्त बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कुटुंब का आपका पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए लग्जरी सुख का जो आप प्राप्त करना चाहते थे, गाड़ी घोड़ा मकान, उसके भी आपके योग बनेंगे और शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आप जिसको चाहते हैं, जिसको मानते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, वही आपका शत्रु बन जाता है। राहु और गुरु की जो होती है षष्ठ भाव में, ऐसे में आपका चंडाल योग बन रहा, जिससे आप डूबते हैं और उखड़ते हैं। जैसे गंगा जी डुबकी लगाते हैं और डूबते, उसी प्रकार का आपका समय चल रहा। आप अपने लिए बहुत भागवान हैं, बहुत इमोशनल हैं, दूसरे लोग आपको जल्दी समझ नहीं पाते हैं, और जो आपको समझ जाता है वो आपके लिए बहुत कोऑपरेट करता है, बहुत आगे तक चला जाता है। अभी ऐसे में आप टीम के लीडर बन सकते हैं। सूर्योदय योग आपकी पत्रिका बना हुआ है वृश्चिक राशि वालों के लिए, चंद्रमा राशि के हिसाब से आपको योग बनेगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन खर्च करता है, बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है, बहुत ज़्यादा उसके ऐसी यात्रा में उसको लाभ मिलता है, क्योंकि पूर्ण रूप से व्यक्ति समर्पण तरीके से लगा रहता है, उसका लाभ नहीं मिलता है। यदि आप कोई दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बीमार हैं बहुत दिनों से, तो आपको हर सोमवार को एक लोटा में जल कोसा डाल के जल चढ़ाना है, इससे आपका बीमारी दूर होगी। यदि आपको धन की कमी है, आप व्यापार करते लक्ष्मी नहीं आ रही, तो चावल की खीर बनाकर सोमवार के दिन आपको लक्ष्मी जी को भोग लगाना है, और शुक्रवार के दिन आपको ये करना है, शुक्रवार के दिन आपको लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है और कन्याओं को जिमाना है, उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि आपके पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, उसके लिए आप एक मूंग अर्घ धारण कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के साथ, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप किसी के लिए ज़्यादा इमोशनल होकर कोई गारंटी ना लें, उससे आपको बचना है। उधार पैसे भी किसी को ना दें, वो आपका फंस सकता है। आप जितना बोलें उतना पूरा करें, कभी भी आप अपने जीवन में झूठ का सहारा ना लें, झूठ ना बोलें, जितना बोलें आप ईमानदारी के साथ बोलें, आपको सफलता मिलेगी। कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचें समझें, तब वो काम करें। जल्दीबाजी में यदि काम करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, आप शादी से रिलेटिव या व्यापार के लिए कुछ आपका प्रश्न चल रहा है, तो इसमें YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम सारा जानकारी जवाब नहीं दे पाते, तो हमारे संस्थान से पूछेंगे, हम आपको विस्तार से बताएंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपका जीवन एक नया सफलता की ओर जाएगा, जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।